एक बार एक कौवा एक कोने में बैठ के रो रहा था। तभी वहां से एक साधु निकले। साधु ने कौए से पूछा, क्या हुआ, क्यों रोता है? तो कौए ने बड़े संकोच में उत्तर दिया कि ये भी कोई जिंदगी मिली है। रंग का काला हूँ, एक आंख से काना हूँ, जिसके घर पे भी जाता हूँ उड़ा देता है। कोई जिंदगी है, कोई जीवन है? लानत है ऐसी जिंदगी पर। तो साधु थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्होंने कौए से पूछा, अच्छा बता तेरी क्या इच्छा है, तुझे क्या बनना पसंद है? तो कौए ने थोड़ा प्रसन्न होकर उत्तर दिया, अगर ये चीज मेरे हाथ में हो तो मैं तोता बनना पसंद करूंगा। तो साधु ने बोला, ठीक है, मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर दूंगा, मैं तुझे आज ही तोता बना दूंगा, लेकिन बस मेरी एक शर्त है। कौए ने पूछा, क्या शर्त है? तो साधु बोले, एक बार जा और कौए से जाकर मिला। कौए ने बोला, ठीक है। कौवा दौड़ा दौड़ा तोते के पास गया और तोते से बोला, हाय तोता भाई, कैसे हो? तुम्हारी लाइफ तो बहुत मस्त है यार, क्या सुंदर सुंदर कलर, आहा मन करता है तुम्हारे जैसा बन जाऊं। तो तोते ने बहुत सोचकर उत्तर दिया, क्या पागल हो गया है बे, किसने बोला मेरी लाइफ बहुत मस्त है? केवल कलर होने से लाइफ मस्त होती है क्या? जिसे भी देखो मुझे पिंजरे में रखना चाहता है, खाने को केवल मिर्ची खिलाता है, मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, कोई मुझे घूमने नहीं देता, शिकारी की नजर हर वक्त मेरे ऊपर पड़ी रहती है और तू कहता है मेरी लाइफ मस्त है, घंटा मस्त है। कौवा और तोता दोनों ये बातें सुनकर बात कर ही रहे थे और उदास बैठ गए। कौवा और तोता दोनों मिलकर साधु के बस उदास मन लेके साधु के पास आए। साधु ने पूछा, क्या हुआ? तो दोनों ने मिलकर उत्तर दिया कि हमें तोता नहीं बनना, हमें मोर बनना है। तो साधु फिर मुस्कुराए। साधु ने बोला, ठीक है, मैं तुम दोनों को आज ही मोर बना दूंगा, लेकिन बस मेरी एक शर्त है, पहले एक बार जाओ और मोर से जाकर मिलाओ। दोनों लोग दौड़े दौड़े मोर के पास गए। मोर से बोला, और मोर भाई क्या हाल है, आहा क्या मस्त कलर है तुम्हारे, राष्ट्र पक्षी हो तुम तो, क्या लाइफ है तुम्हारी, आहा ये पंख, जी करता है तुम जैसे बन जाऊं हम तो। तो मोर थोड़ा सोचा और उसने उदास होकर उत्तर दिया, कौन बोला रे तेरे को कि मेरी लाइफ अच्छी है, मेरी जीवन अच्छा है, मेरी जीवन में भी दर्द है, बाहर से दिखने वाले ये पंख, इन पंख ही सबसे बड़ी घातक सजा है हमारे लिए। वो सामने देख किसकी आवाज आ रही है, थक 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 थक, शिकारी है। अभी एक घंटे पहले मेरी माँ को मार डाला, मेरे खुद के जीवन का पता नहीं। जहां मेरे खुद के जीवन का पता नहीं कि मैं एक घंटे बाद जीऊंगा या मरूंगा, और तुम उस वाली लाइफ को बोलते हो कि मस्त है। जिसे देखो मेरे पंखों को काटना चाहता है, कोई मेरी सुंदरता को देखना नहीं चाहता, अपने घर ले जाना चाहता है, और तुम बोलते हो कि मेरी लाइफ मस्त है। कौवा और तोता हैरान हो गए ये बात सुनकर, और उन्होंने उस कौए ने मोर से पूछा, अच्छा तो भाई तुम बताओ कि सबसे मस्त किसकी लाइफ है? तो मोर ने हंसकर जवाब दिया कि सबसे मस्त लाइफ है कौवा तेरी, तुझे ना तो जान का खतरा है, ना तुझे कोई पकड़ता है, ना कभी कोई शिकारी मारता है, तो फिर तुझे किस बात का डर है? सबसे अच्छी लाइफ तेरी है और तू दूसरों की तरफ भाग रहा है। उस दिन कौए को एक बात समझ में आई कि हमें कभी अपनी लाइफ का कंपैरिजन किसी और की लाइफ से नहीं करना चाहिए। और यही बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम जैसे भी हैं यूनिक हैं, सबसे अच्छे हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि उसकी लाइफ अच्छी है तो उसकी लाइफ में भी कोई ना कोई दर्द तो जरूर है। आप जैसे भी हो, यूनिक हो, अच्छे हो, टैलेंटेड हो, बस अपनी लाइफ को कभी किसी से कंपेयर मत करो।